मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। YouTube पर जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे क्लासेस की प्रमोशनल वीडियो होती है जिसमें हम कुछ हमारे क्लासेस की वीडियो होती है, कुछ हम प्रमोशनल वीडियो डालते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पज जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता है। हम लोग क्या करते हैं कि गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से लाइव क्लासेस देते हैं जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं डायरेक्ट मेरे साथ। तो हम यहाँ ये डिस्कस करने जा रहे हैं आज आपके साथ कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि भाई माइक्रो मेरा नहीं चल रहा है, माइक्रो का सिक्योरिटी अनेबल बार बार मांग रहा है या आउटलुक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने आपका वीवीए का माइक्रो को बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा होता है। तो माइक्रो बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले यहाँ डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाइए, एक्सेल ऑप्शन में आइए और यहां कस्टमाइज रीजन पे यहां से आप डेवलपर टैब ला सकते हैं। अगर आपके पास 2010, 16 एंड 13 वगैरह हो तो, नहीं आपके पास 7 है तो जनरल में ही आपको यहीं पे दिख जाएगा सो डेवलपर टैब इन द रिवर। तो जब डेवलपर टैब आपने लाया तो फिर आपको माइक्रो सिक्योरिटी में जाके अनेबल ऑल माइक्रो करना होगा। इसको आप करेंगे उसके बाद आही आपका माइक्रो एक बार बनाने के बाद दोबारा उस फाइल में वर्क करेगा, वरना बार बार आपको माइक्रो अनेबल का मैसेज देगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने जैसे आउटलुक वगैरह की कनेक्टिविटी कर रखी है तो आपसे बराबर अलाउ एंड डेनी का ऑप्शन मांगेगा, तो उस केस में भी आपको एक्सेल इसके आउटलुक के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और ऑप्शन में जाने के बाद ट्रस्ट सेंटर में आके ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ माइक्रो सेटिंग में इसको भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका कनेक्ट होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, तो इसका यूज कीजिए, इसके बाद आप माइक्रो का यूज कीजिए। हाँ, और ध्यान रखिएगा जब भी एक्सेल फाइल को सेव करेंगे तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक में करेंगे। गलती से आपने अगर आपको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये बराबर मैं बताता तो फिर भी मैं आज बता रहा हूँ स्पेशली वीडियो बना के कि यहाँ अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो आपका माइक्रो डिसेबल हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करें। तो इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे टाइम निकलेगा तो मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। और दूसरी चीज कि YouTube से आप एक्सेल की जानकारी तो ले सकते हैं बट एक्सेल की तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक्सपर्ट बनने के लिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु वगैरह ज्ञान नहीं होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या फिर हमारी डीवीडी आप परचेज करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम पहले डेमो देते हैं। डेमो लेने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें और डेमो क्लासेस ज्वाइन करें। और दूसरा, अगर आप हमारी डीवीडी परचेज करना चाहते हैं, डीवीडी परचेज कर सकते हैं। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझे आप कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।